और इस वक्त की बड़ी खबर, बेंगलुरु में दुकानदार के साथ मारपीट के मामले में धरने पर बैठे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया गया है। बीजेपी के साथ हिंदू संगठन बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इस वक्त हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि रविवार शाम हनुमान चालीसा बजाने के विवाद में कुछ लड़कों ने दुकानदार के साथ मारपीट कर दी थी, जिसका वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद तेजस्वी सूर्या पहुंचे और फिलहाल तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बेंगलुरु से खबर हम आपको बता रहे। प्रदर्शनकारियों ने जय श्रीराम के नारे लगाए और अब तक ऐसे 5 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में बेंगलुरु में हिंदू संगठन और बीजेपी का प्रदर्शन के दौरान ही तेजस्वी सूर्या, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्हें हिरासत में इस वक्त लिया गया है, क्योंकि भीड़ बेकाबू ना हो, ज़्यादा वहां पे कार्यकर्ता पहुंच गए थे। इन सबको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वहां पे एक्शन लिया है और एक्शन का असर, अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानदार से पहली तस्वीर, मारपीट, यहीं से पूरा विवाद आगे बढ़ता है और इस मारपीट के बाद बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन, जो हाथों में झंडा बैनर पोस्टर लिए हुए हैं वो सभी हिंदू संगठन के और साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी धरना कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, जिसमें इन दोनों ही घटना के बाद हिरासत में तेजस्वी सूर्या आ चुके हैं। तेजस्वी सूर्या पर पुलिस का एंगल ये है कि हर हाल में आप इन्हें यहाँ पे शांत कराएं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, पशुपति पारस पर तेज प्रताप यादव का क्या बयान सामने आया है वो हम आपको अपडेट करते हैं। पशुपति पारस का महागठबंधन में स्वागत है, तेज प्रताप ने कह दिया। बिहार के पूर्व मंत्री तेजस्वी के भाई लालू प्रसाद के दूसरे बेटे तेज प्रताप का बड़ा बयान सामने आ चुका है। एनडीए में पशुपति पारस से अन्याय हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है। ये पहली बार ऑफिशियली स्टेटमेंट तेज प्रताप की तरफ से। हालांकि ये मानकर सब लोग चल रहे हैं कि पशुपति पारस की बातचीत कई राउंड्स की हो चुकी है आरजेडी में, और यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से अगर सीटों का बंटवारा और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं किया गया है तो उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस, इन दो के लिए बचा के रखी गई है सीटें। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है, अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को, और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग के तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे, एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। पॉजिटिव असर होगा इंडिया पर, पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे। पॉजिटिव असर हो रहा है, क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नशे के लिए सबसे ज्यादा कोबरा, कॉमन क्रेट और हरे सांप का इस्तेमाल होता है। खबरों के मुताबिक भारत में कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4000 रुपए से लेकर 26000 रुपए तक। जिस कोबरा का जहर ज्यादा जहरीला होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कीमतें और भी बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर में सांपों के जहर का कारोबार वैध और अवैध दोनों तरीके से होता है, क्योंकि कानूनी रूप से सांप के जहर का इस्तेमाल कई तरह की दवाओं को बनाने में भी होता है। चीन में तो सांपों की खेती और कारोबार किया जाता है। इधर चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने यह एक्शन आचार संहिता लागू होने के बाद दिया। 2 दिन पहले 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई। इसी के तहत चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए उनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों के अलावा चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी